आदरणीय व्यापारी भाइयों, अमर ज्योति डायरेक्टरी से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। आज मैं परम गोपी राम हरिराम के कर्ता धर्ता या मालिक श्री पुरुषोत्तम दास जी से साक्षात करने के लिए इनकी फर्म पे पहुंचा हूँ। ये वो पुरुषोत्तम दास जी है जिनको मैंने 44-45 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ, जिनका मेरे पर विशेष स्नेह कहूंगा, आशीर्वाद तो क्या कहूं, पिताजी से मुझे आशीर्वाद मिलता जा रहा है। गोपीराम जी हरिराम जी फर्म के मालिक हरिराम जी हुआ करते थे और उनके सुपुत्र श्री हंसराज जी, उनसे भी मेरा विशेष हो रहा है, तब से मैं देखता आ रहा हूँ इनको। वो इसी तरह से मुस्कुराना, हंसना, आवभक्त करना, वही चीज मैं देखता आ रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ और उनसे मैं साक्षात कर रहा हूँ कि किस तरह इन्होंने ऊंचाइयों से पहुंचे, कैसे पहुंचे, ये सब बातें इनसे जानने के लिए आपके पास पहुंचा हूँ। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार हनुमान जी, कैसे हैं आप? ठीक है, और कैसे हो आप? आपसे कुछ साक्षात करना याद आ गया, अतीत का, अतीत का चल रहा है वो तो हम आपको देखते रहते हैं आते जाते हुए। आपके पास समय कम है जरा। आपने तो उस समय से देख रहे हो जी, मैं 44-45 साल जैसे कह रहा हूँ, हो गया मेरे ख्याल से? नहीं नहीं, 40 साल लगभग मानो, मैं 79 में आया था बाजार में। 79 फर्म में हमने काम किया था शुरू, प्रेमचंद जी के पार्टनरशिप में। अच्छा जी। और आप पर बैठते थे वहाँ पे, तो ऊपर वो भगवान दास भगवान दास जी थे, उनके बराबर में आपका कमरा था और आप पापड़ बढ़िया भी लगते थे। आपने तो आप जबकि मैं तो गोपी राम हरिराम जी के ऐसे जानता हूँ आपको। नहीं नहीं, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम 79 में आ गए थे बाजार में, मामद मुसद्दीलाल एंड कंपनी के अंदर पार्टनरशिप थी हमारी प्रेमचंद जी से, और आपका कन्वेंसिंग का भी काम था। और उसके बाद आपने अमर ज्योति डायरेक्टरी भी शुरू करी। आपके हमेशा डायरेक्टरी तो आप जेब में रख के घूमते थे। बाबू जी के टाइम से अपना यहाँ चल रहा था, हरिराम जी पिताजी जी जी, हंसराम जी जी भाई साहब, जब विज्ञापन लेने के लिए आता था जी जी जी, आप सारा आप ही लगाते थे। सर में क्या लेन देन का सारा हिसाब मेरे पास ही था, आपके पास ही था शुरू से मेरे पास रहा। तब जो है आयुष मेरा बेटा अब जो है सब काम को संभाल रहा है। अच्छा। बाकी अब जमाना बदल रहा है, अब क्या है जमाने की नई चाहिए क्या नहीं चाहिए वो तो यही बताएगा। ठीक बात है। लेकिन आपसे हमारे संबंध रहे हैं बढ़िया से बढ़िया रहे हैं, आपसे हमें कोई शिकायत रही नहीं करती। आपका तो पूरा स्नेह रहा मेरे पर, हंसराज जी क्या, हरिराम जी क्या, वो बोले पूछ रहे, हरिराम जी पूछ रहे थे। 10 साल हो गए उनको गए हुए हरिराम जी को, और भाई साहब को भी 5-6 साल हो जाएंगे, 6 साल हो जाएंगे। सारा जिम्मेदारी आपकी है, देखा जाए भगवान दे रहा है। पुत्र भी आपके चुनाव में चल रहा है, बिल्कुल जैसा मैं चाहता हूँ, जैसे हमारे पिताजी थे, भाई साहब थे, जैसा मैं हूँ वैसा ही मेरा पुत्र जो है काम कर रहा है, सारे काम से काम कर रहा है, कोई बेईमानी नहीं, कोई साफ सुथरा काम मन हमारा स्वच्छ रहता है, आराम की नींद सोते हैं, कोई धोखेबाजी नहीं करते। तो मूंग का और इस काम तो मूंग का काम तो कम कर दिया, कुछ चना ज्यादा कर रहे हैं, चना दाल। ये खासेबाजी कुछ लेते हैं महाराष्ट्र से, गुजरात से, एमपी से, राजस्थान से, वो तो आपका नाम चलता है, कहीं से ले लो भाजी, आपका सब्जी का, सब्जी का एक ही नाम से जो है मेरे ख्याल से एक ही फर्म से चल रहा है, गोपी राम हरिराम। 61 में फर्म बनी थी, तब से यही है, यही चल रहा है। बड़ी मुलाकात, नमस्कार। आपके बारे में सुनता रहता हूँ, मैंने आपके बारे में अक्सर सुना है पिताजी से। मैं अतीत की बात तो इतना नहीं जानता, लेकिन मैं आपने जो अभी बताया हमें, पापा ने बताया था मेरे को, आप एक डिजिटल डायरेक्टरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। वो काम बड़ा प्रशंसनीय कहूंगा मैं, और बहुत सराहनीय है। अच्छा। और हमारा सारा सहयोग और हमारा सारी आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेगी। आप कब से कर रहे हैं काम, पापा का कब से संभाल रहे हो आप? मुझे जी इस काम पे आते हुए करीब करीब 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए? तो ताऊजी के टाइम आ गए थे क्या? हंसराज जी टाइम ताऊजी के सामने मैं आ गया था काम। अच्छा 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 अच्छा। अब ताऊजी के जाने के बाद जो है पापा की देखरेख में सारा काम सीखा है और अब इसको कर रहे हैं कुछ। पूरा जो है अनुभव ही पूरा हो गया, मुझे कहूंगा
और पापा को फिर हमारे तो आते हैं टाइम पास करने आते हैं, काम सारा उन्हीं की देखरेख में चल रहा है, हम तो सिर्फ और सिर्फ यही संस्कार बोलता है बाबू, यही संस्कार है जो आपने बोला उनकी देखरेख में चलता है, यही संस्कार कहते हैं। और ये पापा जो है लाला हरिवार जी से लेते हुए चलते आ रहे हैं, उनकी देखरेख की बातें थी, सारा देखते थे, सारा काम करते थे, बाकी बाबू जी को पर हुई, जो बाबू जी कह दिया ओके था, जो हंसराज जी ने कह दिया ओके था, बाकी उनकी बात कभी वो काटते भी नहीं थे, क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल है, यही बात थी जी, उनकी बात काटते भी नहीं थे, उन्हें मालूम था ये गलत बोलेगा, गलत बोलेगा नहीं, जो कह दिया, मैं तो अपने बता रहा हूँ, विज्ञापन लेने के लिए आता था तो हंसराज जी साहब कह दीजिए तो क्या चलेंगे, अरे एक डायरेक्टर आज जो ख्याल रखा है बोलते अरे भाई आया है विश्वास लेके आया है, बना लेके आया है तो अरे भाई बड़े भाई बोलते हैं अरे हम जी अरे तो परसों का ऐसे कह रहा है ये उनका हो रहा है। तो आयुष बाबू आपका भी जो आपने कहा है बिल्कुल जी, हमारा सहयोग आपके साथ है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये बहुत अच्छा एक आपका प्रयास है, आपको ईश्वर बहुत सफलता दे। धन्यवाद हनुमान जी, एक बात तो रही गई जो आप ये काम कर रहे हैं, लोग रिश्तों का काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं आप, आजकल कोई बीच में आना चाहता ही नहीं है, सही कह रहे हैं, कोई रिश्ता बताने को राजी ही नहीं रहता, तो आप ये जो कार्य कर रहे हैं इसको और बढ़ाइए, अच्छा है समाज के लिए, हमारे जो अग्रवाल समाज है, जैन समाज है, इसमें हमें इस चीज की बहुत जरूरत है, लोग लोगों के बच्चे काफी बड़े बड़े हो रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही है, कोई रिश्ता नहीं बताता है, इस काम को और बढ़ाइए। नहीं भाई आपने बहुत अच्छा लगा, दादा दादा होने के बाद भी जो आपका अनुभव है मुझे आपके अनुभव की मैं चाहूंगा कि आपकी भावना को अवश्य भगवान मेरी सफल करेगा, बिल्कुल करेगा जी भाई साहब, धन्यवाद धन्यवाद।